वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक यहां पर हम रोशनी डालते हैं आपको और एक चीज की, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है विकिपीडिया में। सभी जानते हैं विकिपीडिया क्या है, हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोज किया था। ये विकिपीडिया में मौजूद है। अभी अभी इलियास शमशी साहब ने इसके डिटेल्स दिए थे ब्रेक में मुझे, वो भी आपको बताएंगे। और हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है जहां पर इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, चल रहा है, अमल कर रहे हैं, और वो स्टेट ये है गोवा। ये भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। खैर, हम इस पर मजीद बात करेंगे। मैं चाहूंगा इलियास शमशी साहब इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालें। जी, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहा है और मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि इस मुल्क के जो पहले सदर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी मुखालिफत की थी। उसके बाद जो तारीख में आता है कि इब्तिदा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायद में कांग्रेस रहा करती थी, जिसकी वजह से 1985 के अंदर, जो 1985 के दिसंबर में कुछ इलेक्शन का जिक्र आता है जिसमें राजीव गांधी को बहुत ही बड़ी शिकस्त से गुजरना पड़ा था, उसके बाद से कांग्रेस ने अपना रवैया तब्दील किया और इस इशू को कांग्रेस ने अपने हाथ से छोड़ने के बाद बीजेपी ने इसे टेकअप किया और आज बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज दोनों यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायद में है। जो गोवा का जो अभी तस्करा हुआ है, गोवा के बारे में मैं आपको बता दूं कि गोवा के अंदर जो है आज की तारीख में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होता है। और एक मजे की बात यह है कि गोवा के अंदर गाय खाना जायज भी है, वहां पे सब लोग गाय भी खाते हैं, गाय का गोश्त भी खाते हैं, बीजेपी की हुकूमत है, मजे की बात यह है। तो ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं, ये बात, ये सवाल हमको करना चाहिए कि बेवकूफ किसे बना रहे हैं। और ये बात सुनने में आती है कि गोवा एक ऐसा शहर है जहां पे अगर कोई 30 साल की उम्र वाली औरत को अगर बच्चे ना होते हो तो वहां की हुकूमत उन्हें इजाजत देती है कि वो उनका शौहर दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन वही सहूलत मुसलमान के लिए नहीं है गोवा के अंदर। इसी तरह से बहुत सी चालें हैं और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। अब जैसे सरदार जियों की मैं बात करता हूं कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद क्या आप सरदार जी अपनी पगड़ी उतार लेंगे, क्या अपने बाल कटवा लेंगे? सरदार जियों के अंदर बात यह है कि वो अपने साथ तलवार लेकर फिरते हैं, हथियार लेकर फिरते हैं, क्या उनके हथियार भी जब्त हो जाएंगे? तो सरदार जियों को भी साथ लेना चाहिए, मुसलमानों का काम यह है कि वो सरदार जी को भी साथ ले। और ईसाइयों की मैं आपको बात करता हूं कि 2 साल तक उन्हें तलाक के लिए जाने की इजाजत नहीं है, नहीं जाते हैं, लेकिन अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद वो भी जाएंगे, तो क्या ईसाई लोग भी साथ आएंगे? तो यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के ये आती है कि मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ी नेमत से, इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है और मुसलमानों के अंदर मोमिनाना फिरासत मौजूद है। मुसलमान एक लीडरशिप वाली क्वालिटी रखता है। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूं आज के मुसलमानों के हालात के ऊपर कि बास से तो सब लोग वाकिफ है। बास का काम होता है कि बास उड़ता है, आसमान में उड़ना ही बास का काम है। तो किसी एक शख्स ने लाकर मुर्गी के चूजों के साथ बास का बच्चा पैदा हुआ और बास की मां मर गई तो छोड़ दिया, तो बास भी जो है मुर्गी के बच्चों के साथ जमीन पर जो है दाना खा रहा था। मेरे जैसे किसी एक साहब ने देखकर पूछा कि भाई बास का काम तो आसमान में उड़ना होता है, ये भी मुर्गी के बच्चों के साथ जो है दाना क्यों खा रहा है जमीन पर? तो उस मुर्गी वाले ने कहा कि भाई हमने इसे लाकर ऐसे ही पाला, लिहाजा ये ऐसे ही खा रहा है। उस साहब ने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे उड़ना सिखा दूंगा। वो साहब लेकर उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर बास को पहाड़ की चोटी से नीचे छोड़ दिया। बास तो पहले डर गया, अपनी आंखें बंद कर ली, वो तो ये तो तय कर लिया था कि अब तो मेरी मौत वाकई है। यही हाल आज के मुसलमानों का है कि मुसलमान लीडरशिप क्वालिटी लगता है, उड़ने की सलाहियत रखता है, लेकिन जिस तरह बाज मुर्गी के दाने चुपते चुपते अपनी जो कुव्वत थी उड़ने की वो भूल गया था, इसी तरह आज मुसलमान भी अपनी कुव्वत को भूल गया। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद बाज ने जब अपने पर खोले तो वो आज पहाड़ की चोटी से ऊपर उड़ने लगा। मुसलमानों को भी यही करना चाहिए कि मुसलमान आगे बढ़े, सबको साथ ले, ईसाइयों को, बुद्धिस्टों को, जैन को, सबको साथ लेकर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ काम करें। अकेले मुसलमानों का इश्यू ना कहें बल्कि इस मुल्क में रहने वाले हर बाशिंदे का इश्यू कहकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। बहुत अच्छी बात कही इलियास शमशी साहब ने। मुसलमानों को इस वक्त चाहिए कि वो तमाम मजहब के लोगों को साथ ले, सिख मजहब के।